नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने घोषित की तिथि, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक। पहले दिन वोकेशनल पेपर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक होगी। पहले दिन मैट्रिक और इंटर में वोकेशनल पेपर की परीक्षा होगी। CBSE की तर्ज पर दोनों परीक्षाएं दो टर्म में ली जाएगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षा मार्कशीट और सेकेंड टर्म की लिखित ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ चलेगी। मैट्रिक में फर्स्ट टर्म की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 तक और सेकेंड टर्म की परीक्षा दिन के 11:25 से 1:05 तक होगी। वही इंटर फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिन के 2:00 से 3:35 तक और सेकेंड टर्म की परीक्षा 3:40 से 5:20 तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल व इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक होगी। जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया है कि मैट्रिक का 1 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जबकि इंटर का 28 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगली बड़ी खबर की बात करो, कानून व्यवस्था व स्थानीय मुद्दों पर हंगामे के आसार, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज होना तय है। प्रमुख विपक्षी दल सरकार को सदन में स्थानीयता नीति, कानून व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद पर घेरने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। वही आजसू भी ऐसे तमाम मुद्दों पर हमलावर रहने वाली है। आजसू 7 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी कर चुकी है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष से झामुमो, कांग्रेस, राजद ने भी मुद्दे पर सकारात्मक बहस का स्वागत किया है। सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देने का होमवर्क कर लिया गया है। बजट सत्र 25 फरवरी यानी कल से 25 मार्च तक आहूत है। इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे और 3 मार्च को हेमंत सरकार वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के महज 47 नए मामले मिले, एक्टिव केस 566। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में महज 47 नए केस मिले हैं, वही 105 लोग ठीक भी हुए हैं। अब झारखंड में एक्टिव केस की संख्या घटकर 566 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची में 14, चतरा में 7, बोकारो और खूंटी में 5-5, गढ़वा में 4, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और पलामू में 2-2 और पूर्वी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा और रामगढ़ में 1-1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाकी किसी भी जिले में संक्रमितों की पहचान नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, हट सकती है प्रोन्नति पर रोक। हेमंत मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 4:00 से शुरू हो गई है। राज्य की नई जो है आबकारी नीति सहित सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक और आगे आरक्षित वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए विधेयक पर मुहर लग सकती है। नई सौर ऊर्जा नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में 25 से अधिक प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले कई विधेयक रखे जाने की स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति जो है तैयार कर ली गई है। इस नीति के तहत 5 वर्षों में राज्य में 5000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1000 सोलर गांव विकसित किए जाएंगे, जहां की बिजली की पूरी खपत सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। सोलर गांव के साथ ही सोलर शहर और सोलर जिला बनाने की बात है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, 9 टन से ज्यादा खनन सामग्री पर ही देना होगा टैक्स, नई अधिसूचना जारी। 9 टन से कम वजन की खनन सामग्री को ढोने वाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। 9 टन से अधिक वजन की खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों से ही यूजर चार्ज लिया जाएगा। इससे संबंधित नई संशोधित अधिसूचना पथ निर्माण विभाग ने जारी कर दी है। पहले यह प्रावधान था कि खनन ढोने वाले वाहनों से यूजर चार्ज लिया जाए, इसमें वजन का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बालू आदि कम वजन वाली सामग्री ढोने वाले वाहनों को इससे परेशानी होने लगी, तो सरकार के समक्ष इन्हें यूजर चार्ज से मुक्त करने की मांग रखी गई। इसके बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है और प्रावधान में संशोधन कर दिया है। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे कॉमर्शियल वाहनों से 600 रुपए यूजर चार्ज लिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात, दो ऑफलाइन भी बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग की प्रधान
सचिव वंदना दादिल की ओर से सभी विभागों के सचिव, परमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी और जेएसएससी के सचिव के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद के परीक्षा नियंत्रण को पत्र लिखा है। पत्र में अवगत कराया गया है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन निर्गत करने की बाध्यता के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आई है। दूर दराज क्षेत्रों में बिजली जो है कटने, लिंक फेल होने से भी दिक्कतें होती है। इसलिए विचार विमर्श के बाद राज्य में जाति प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बनाने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के शिकारीपाड़ा में हादसा। अवैध पत्थर खनन के दौरान मजदूरों के ऊपर गिरा मलबा, एक की मौत, दूसरा गंभीर। झारखंड के दुमका जिले में अवैध पत्थर खनन के दौरान हादसा हुआ है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर उद्योग क्षेत्र में मंझलाडी गाँव में चल रहे अवैध पत्थर खदान में ड्रिल करने के दौरान गुरुवार को दो मजदूरों के ऊपर पत्थर गिर गया। इसमें दब जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है, वही दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, घायल को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई है। हादसे में मरने वाले मजदूर की पहचान मुख्तार शेख के रूप में की गई है, वही घायल का नाम शेदुल शेख है, वह पाकुड़ जिले के सीतारामपुर का रहने वाला है। घायल का इलाज पश्चिम बंगाल के रामपुराहाट अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दांत में बड़ी परेशानी। एम्बुलेंस से पहुंचे डेंटल कॉलेज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी सड़न। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी केस की सजाए फता लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें दांत में दर्द की शिकायत था। डेंटल विभाग में जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी की सलाह दी। गुरुवार को आरजेडी सुप्रीमो दांत के इलाज के लिए डेंटल कॉलेज पहुंचे, वहां दांत का इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की ओर से इससे पहले लालू यादव के दांत का एक्सरे किया गया था, इसमें दांत के अंदर सड़न की जानकारी मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात करो, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। सीबीएसई और अन्य बोर्डों की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका को जो है खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं से छात्र छात्राओं के बीच गलत उम्मीदें बंधती है और भ्रम फैलता है, जो उचित नहीं है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा है कि ऐसी याचिका दायर करने पर जुर्माना भी लग सकता है। इसे न केवल झूठी उम्मीदें बनती है बल्कि छात्रों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अगली बड़ी खबर की बात करो, तीन लड़कियों से किया गया दुष्कर्म। शादी का झांसा देने वाले तीन प्रेमियों पर पोस्को एक्ट का केस दर्ज, एक आरोपी, दो बच्चों का पिता। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के नावाडी थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तीन लोगों पर प्यार में धोखा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने अपनी अलग अलग प्रेमिकाओं को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है, इसके बाद उन्हें छोड़कर फरार हो गए हैं। पीड़ित लड़कियों के बयान के आधार पर नावाडी थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक आरोपी बबलू अंसारी 24 वर्षीय, दो बच्चों का पिता है, उसने 18 वर्षीय बच्ची को झांसे में लिया। वही 16 वर्षीय दो नाबालिग युवकों ने 14 वर्षीय बच्ची को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया है। तीनों लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई है, अभी रिपोर्ट का इंतजार है। लड़कियों के आवेदन के अनुसार यह तीनों नावाडी थाना क्षेत्र के सुरही जंगल में दुष्कर्म की घटना की शिकार हुई है। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो, घाघरी जेल में दो कैदियों की मौत के मामले पर सुनवाई 2 मार्च को। जमशेदपुर के घाघरी जेल में दो कैदियों की मौत मामले में अब 2 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन गृह सचिव की ओर से समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित कर दी। इस मामले में भोलानाथ पांडे को अभियुक्त बनाया गया था, जो घटना के वक्त घाघरी जेल में कार्यरत थे। ऐसे में विभागीय कार्रवाई के बाद भोलानाथ पांडे को सजा दी गई थी। इस आदेश को एकल पीठ में चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने सजा को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई। इस अपील पर अब 2 मार्च को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, इनामी नक्सली सुदर्शन गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा लातेहार सीमा पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी सुदर्शन उर्फ नंदकिशोर भुइया को गिरफ्तार किया है। सब जोनल कमांडर सुदर्शन मूल रूप से चतरा के प्रतापपुर के ननई टोला मंजगांव का है। दर्जनों कांड में सुदर्शन की तलाश रही है। सुदर्शन को जल्द ही पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।